हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं अपने साथ जो गेस्ट है उनका इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। ये जो आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपने पहले भी वीडियोज में देखा होगा, एक ही नहुस्ती आदमी है, ठीक है। तो वो अपना इंट्रोडक्शन वैसे खुद करवाएगा। जी सर, मैं मेरा ख्याल तो मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आपका फिर से बात चैनल पे है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे। आप जैसे नहुस्ती आदमी कभी कभी नहुसत के मारे, कभी कभी असुस्ती के मारे कभी कभी आते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दे। मेरी ख्याल देखिए, मैं असल में पूरा कंटेंट बना रहा होता हूँ तो इसी वजह से काफी बिजी हूं। माफी नहीं मिलती इस झूठ की, वैसे कंटेंट बना रहे होते हैं, वीडियोस हम ढूंढते हैं, हर चीज हम करते हैं, आप सिर्फ एडिटिंग करते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और आप ऐसे शो करवा रहे हैं कि लेकिन, सारा बटन आपके ऊपर। लेकिन व्यूअर्स को पता है मेरी एडिटिंग बहुत कमाल की होती है। एडिटिंग नो डाउट, वो हम भी मानते हैं, तो एडिटिंग कमाल की होती है। आप ऐसे ओवरऑल अपने ऊपर सारा गोना करेंगे, सारा क्रेडिट अपने आप के ऊपर ले रहे हैं। हम भी यहाँ पे काम करते हैं सारे के सारे। हाँ, ऐसी बात है। सस्ते एक्टर वाला जो भी काम होता है वो कामी भाई करते हैं, कंट्रोल होता है। चले, देर नहीं करते, जल्दी से चलते हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अमेजिंग फैक्ट्स है नेपाल के, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, तो अमेजिंग, हमने पहले भी एक इसी तरह की वीडियो पे रिएक्शन दिया था, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, बट ये कुछ अलग होने वाली है। तो जल्दी से देखते हैं वीडियो में क्या रहा सब। A few moments later. जी तो फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट एज यूजुअल काउंटडाउन से। 3, 2, 1, लेट्स गो। दोस्तों, जिस भूमि पर विशाल माउंटेन एवरेस्ट सीना ताने खड़ा हो और महात्मा बुद्ध जहां के निवासी रहे हो, उस जगह से अधिक रहस्यमयी और रोमांचकारी भला और क्या हो सकता है? गैस कर पा रहे हो हम कौन से देश की बात करने वाले हैं आज? जी हां, आपने बिल्कुल सही सोचा, आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। दोस्तों, नेपाल जिससे हमारे देश की एक ऐसी हमजोली है कि हम वहां बिना किसी वीजा पासपोर्ट के चक्कर मार सकते हैं। नेपाल जिसकी संस्कृति और आबोहवा ऐसी है कि हम उसे बेटी और रोटी का रिश्ता रखते आए हैं और इसे आगे भी जारी रखना चाहेंगे। नेपाल जिसे हाल तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, नेपाल को पूरे साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और उस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। नेपाल शब्द को हिंदू संत नेमे के नाम पर से ही लिया गया है, जिन्होंने काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। वैसे तो नेपाल पर कई सारे राजाओं ने बारी बारी शासन किया, लेकिन एक मजे की बात आपको बताता हूँ, वो ये कि ये देश कभी भी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना। इसीलिए तो हमारे देश जैसा इस देश का कोई भी स्वतंत्र दिवस नहीं है। भले ही नेपाल एक छोटा सा देश है जहां की जनसंख्या है करीब 3 करोड़, पर फिर भी यहां पर 123 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। कमाल की बात है ना। दोस्तों, नेपाल की राजधानी शहर है काठमांडू, जो दुनिया के पहले 10 लोकप्रिय शहरों में शुमार है। 2000 साल से भी अधिक ज्यादा पुराना ये शहर कई प्राचीन मंदिरों का घर है जो अपने समय की कहानी बयां करता है। दोस्तों, हमने पहले ही आपको बताया था कि नेपाल देश की पहचान है माउंट एवरेस्ट से, इसीलिए तो नेपाल का नाम लेते ही हर किसी को माउंट एवरेस्ट की याद आती है। वैसे ही आपको एक और बात बता दूं कि दुनिया के 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में ही है। अगर आपको ट्रैकिंग का बहुत शौक है और कभी मौका मिले यहाँ जाने का, तो आप इस चोटी के पहले पड़ाव तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। वैसे आपको बता दूं कि राफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसा एडवेंचर का असली मजा अगर लेना है तो नेपाल से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। अगर आपका ऐसा कोई शौक है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। दोस्तों, पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अगर इसका समुचित उपयोग किया जाए तो ये देश हाइड्रो पावर के क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि यहाँ लोगों को रोजाना 9 से 12 घंटे ही बिजली मिलती है और हर सीजन में 3 से 4 बार पावर कट होता है। इसी वजह से ये देश इंडस्ट्री, फैक्ट्री और ऑफिस की मूलभूत सुविधाओं के मामले में अभी भी अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। आपको सुनकर बुरा लगेगा कि नेपाल का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में आता है, जहां पर आधे से ज्यादा लोग दिन के $1 से भी कम पैसा कमाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में सबसे ज्यादा है ना? लेकिन धर्म निरपेक्ष होने के कारण हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत के अलावा भी दुनिया में कई सारे देश हैं जहां बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं,
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में नेपाल ही इकलौता ऐसा देश है जो एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ का 80% से भी ज्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और अनुपात के मामले में यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जैसे हमारे यहाँ गाय को लोग पवित्र मानकर पूजा करते हैं, उसी तरह नेपाल में भी गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसकी हत्या करना गैर कानूनी है, इसीलिए तो गाय इस देश का राष्ट्रीय पशु भी है। दोस्तों, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीज है जिसका मूल्य हमारे इंडियन रुपीज से भी कम है, मतलब कि एक भारतीय रुपए करीब 1.69 नेपाली रुपीज के बराबर होता है। क्या सोच रहे हो दोस्तों, है ना मजेदार? कम पैसों में भी अब आप इतने खूबसूरती देख पाएंगे, साथ ही आपका विदेश घूमने का एक्सपीरियंस भी होगा। सोच लीजिए, अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको नेपाल में जाकर ऐसा कतई महसूस नहीं होगा कि आप किसी दूसरे देश में आ गए, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। आपको शायद एक और बात पता नहीं होगी, नेपाल और भारत बहुत ही अच्छे मित्र देश भी है। जी हाँ, भारतीय आर्मी नेपाल में भी सेना भर्ती करवाती है और वहाँ के नौजवानों को अपनी सेना में शामिल होने का मौका देती है। इसीलिए तो नेपाल घूमने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसके लिए आपको अपनी कोई आईडी प्रूफ साथ में लेकर जाना होगा। दोस्तों, अगर लोगों की बात करें तो नेपाल के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना भी है। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो तो यहाँ पर खत्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, लेकिन इसमें एक चीज जो थी ना वो मुझे काफी डिसअपॉइंट किया उसने, वो ये कि जो हमने वीडियो पे रिएक्शन दिया वो एक इंडियन क्रिएटर ने बनाया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसने जितनी नेगेटिविटी हो सकती थी ना वो काफी फैलाने की कोशिश की है, मतलब कि उसमें काफी पॉइंट्स ऐसे थे जो कि बाकी में अब हमें पता नहीं, क्योंकि लास्ट हमने कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें लोड शेडिंग का था सही, लेकिन इतना नहीं था कि वो 9, 10 या 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही हो। तो बट उन्होंने कहा जी 9-10, अब ये आप लोग ही हमें सच बता सकते हैं कि लेकिन उसके अलावा उसमें पॉजिटिविटी भी देखनी काफी थी। हाँ, कुछ पॉइंट्स पे थी, बट कोशिश उसने ये की थी कि वो अपने मुल्क को अप कर रहा था और नेपाल को था। लेकिन उसमें पॉजिटिविटी भी थोड़ी बहुत मुझे नजर आई। उसमें एक ये था कि नेपाल की खूबसूरती बयान की, दुनिया में 8 बड़े जो पहाड़ है वो नेपाल में बिलोंग करते हैं, और नेपाल का जो पानी का सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त उन्होंने कहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, प्लस इंडिया में भी पानी वहीं से ही आता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। बाकी जो है वो काफी सारी चीजें थी, मैं तो और खूबसूरती के हिसाब से तो आपने भी देखा कि वो बहुत खूबसूरत है। और मैं ये बड़ा हैरान हूं कि नेपाल पे आज तक किसी ने हुकूमत नहीं की। अगर आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं तो प्लीज बताइएगा। उसमें एक चीज और थी कि जो 2000 साल पुराना शहर, बहुत मायने रखता है 2000 साल पुराना शहर काठमांडू, चलें जब चलेंगे वहां पे फिर विजिट करेंगे। बिल्कुल, अगर अब हुआ तो तो हमें इसके साथ दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।